नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइस, आज मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं बिटवीन टू बिग ब्रांड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। गाइस, एक तरफ है इंटरनेशनल प्रोटीन का सुपीरियर वे और दूसरी तरफ है गाइस डायमेटाइज का एलीट 100% वे प्रोटीन। गाइस, इंटरनेशनल प्रोटीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है और डायमेटाइज जो है गाइस वो यूएसए का ब्रांड है। एंड गाइस, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं एक ब्लेंड है, फास्ट डाइजेस्टिंग ब्लेंड है। वे प्रोटीन की गाइस फर्स्ट फॉर्म वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन की सेकंड फॉर्म वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन की थर्ड फॉर्म हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है। और गाइस, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स में अपनी कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर हैं। इंडिया में डायमेटाइज काफ़ी पॉपुलर है, इंटरनेशनल प्रोटीन को अभी इतना लोग नहीं जानते। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता दूं, आपके सामने जो है इंटरनेशनल सुपीरियर वे 5 LB का बैग चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें काफ़ी फ्लेवर्स आते हैं जैसे बनाना, उसके अलावा कैरामल पॉपकॉर्न, स्ट्रॉबेरी, काफ़ी इस तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट में। और डायमेटाइज एलिट 100% वे आपके सामने रिच चॉकलेट फ्लेवर में पड़ा है 5 LB का डब। इसके अलावा इसमें फ्लेवर्स आते हैं चॉकलेट फज, गवर्नमेंट वनीला, कुकीज़ एंड क्रीम, काफ़ी इस तरह के फ्लेवर्स आते हैं इस प्रोडक्ट में भी। तो चलिए गाइस, हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के सप्लीमेंट फैक्ट्स देखते हैं किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी इन दोनों प्रोडक्ट्स में आपको नेचुरली रिच BCAAs मिल जाते हैं और ग्लूटामाइन आपको मिल जाता है। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट हैं दोनों ही। और 25 ग्राम प्रोटीन है डायमेटाइज के एलीट 100% वे में। 5.5 ग्राम ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के साथ 2.7 ग्राम आपको लूसीन मिलता है जो आपके प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। और सुपीरियर वे में 31.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। जहाँ तक इंटरनेशनल प्रोटीन के सुपीरियर वे की बात की जाए तो उसका 40 ग्राम का सर्विंग है। सर्विंग्स पर बैग 57 है 5 LBS के बैग में। और इसका जो सर्विंग साइज़ है वो 1.5 स्कूप का है, कंपनी रिकमेंडेड 40 ग्राम का। आप चाहें तो इसे 1 स्कूप भी ले सकते हैं, तो उससे आपकी सर्विंग्स जो हैं वो अराउंड 70 पहुँच जाएंगी। और 40 ग्राम की जो रिकमेंडेड सर्विंग है कंपनी की तरफ से, उसमें आपको एनर्जी मिलती है 164 कैलरीज, 31.2 ग्राम यहाँ पे आपको प्रोटीन मिल जाएगा 40 ग्राम में। तो 78% आपका प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी हो गई। 2.9 ग्राम फैट, 1.8 ग्राम सेचुरेटेड फैट, 2.7 ग्राम कार्ब्स, 1.5 ग्राम शुगर, 0.3 ग्राम डाइट्री फाइबर, 75 mg सोडियम, 265 mg पोटेशियम और 145 mg कैल्शियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो गाइस, प्रोफाइल मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया है। 78% प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी, वो भी ब्लेंडेड प्रोटीन में, मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। और जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की बात करें गाइज, यहाँ पे आपको वे प्रोटीन की फर्स्ट फॉर्म वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन की सेकंड फॉर्म वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आइसोलेट जो वे प्रोटीन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी। तो तीनों ही फॉर्म्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं इस प्रोडक्ट में। और बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं तो काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल है गाइज। साथ में एल ग्लूटामाइन भी आपको मिल जाएगा जो एडिशनल आपकी हेल्प करेगा मसल रिकवरी में। जहाँ तक इस डायमेटाइज के न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात की जाए तो उसका 1 स्कूप 36 ग्राम का है। सर्विंग्स पर कंटेनर 63 हैं। अमाउंट पर सर्विंग कैलरीज 140 यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फैट से 25 कैलरीज आएंगी, 2.5 ग्राम टोटल फैट, 1.5 ग्राम सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट यहाँ पे कुछ नहीं है, कैलेस्ट्रॉल 75 mg, सोडियम 135 mg, पोटेशियम 320 mg, 3 ग्राम कार्ब्स, लेस देन 1 ग्राम डाइट्री फाइबर, 2 ग्राम शुगर और 25 ग्राम यहाँ पे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम और आयरन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो गाइस 36 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, यानी जो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है अराउंड 70% है, जो मैं कहूँगा कि एवरेज बायोअवेलेबिलिटी है। और जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो वे प्रोटीन की फर्स्ट फॉर्म, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का एक ब्लेंड मिल जाएगा। गाइस, इंटरनेशनल प्रोटीन सुपीरियर वे में आपको कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आइसोलेट मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। तो मैं कहूँगा कि प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी इंटरनेशनल सुपीरियर वे से थोड़ी सी कम है, और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आइसोलेट वहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल सुपीरियर वे जो है, इंटरनेशनल प्रोटीन का सुपीरियर वे बाजी मार जाता है। गाइज, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स की मिक्सेबिलिटी और टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली यूज़ करके देख चुका हूँ। एंड गाइज, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स एविसिम फिटनेस पे अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल प्रोटीन सुपीरियर वे 5 LBS का बैग आपको एविसिम फिटनेस से पड़ेगा 4,600 रुपीज़ का। 10 LBS का बैग 8,500 रुपीज़ का, प्लस कोरियर चार्जेस अगर आप इस प्रोडक्ट का कोरियर करवाते हैं। डायमेटाइज एलीट 100% वे 5 LBS
एविसिम फिटनेस से आपको पड़ेगा 4,900 रुपीज़ का प्लस कोरियर चार्जेस, और इसमें फ्लेवर्स अवेलेबल हैं रिच चॉकलेट, गवर्नमेंट वनीला और कुकीज़ एंड क्रीम। सो गाइज, अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो एविसिम फिटनेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सो गाइज, इस कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की कंपैरिजन वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, सप्लीमेंट रिव्यूज़ और टेस्ट टेस्ट वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।